अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त आर्चे मावी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी लाइफ देसी फन। तो बात करने वाले हैं सब्सिडी के हवाले से। एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आपके लिए जनाब लेके हाज़िर हूँ, और ये अपडेट बहुत ख़ास है आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं अगर ये अपडेट आपको ना दूँ तो। अगर आप ये अपडेट पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से आप अल्लाह ताला की रहमत होगी आप पे। तो अपडेट ये है जनाब कि जिन लोगों ने टोकन का कारोबार स्टार्ट किया हुआ था, ख़रीदो फरोख्त की हुई थी, उनका क्रैक डाउन हो चुका है शुरू। तो काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में देखा गया है, बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं SOP MOP DAP के टोकन सेल की, जो कि बहुत बड़ा जुर्म है। और इस जुर्म के लिए अब जो कि एक टास्क फोर्स तैयार कर दी गई है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये अभी अभी मैसेज आया, और कुछ लोगों के साथ ये हुआ भी है कि जो लोग टोकन की खरीदो फरोख्त सरेआम कर रहे थे और फेक रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे और पैसे दे के करवा रहे थे और जो कर रहे थे, उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है। हालाँकि ये चीज़ बहुत अच्छी है और बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि किसान भाइयों की सब्सिडी थी और वो जो दूसरे अवाम उन्नास में गैर कानूनी तरीके से बांटी जा रही थी, खरीदो फरोख्त थी, मतलब 500 रुपए का टोकन है, 100 रुपए 80 रुपए का मिल जाता है और किसान भाई 80 रुपए का बेचारा दे देते हैं, उनको क्या बताता है ये क्या चीज़ है। तो वो जनाब जो लेता है वो अपने मौजे करता है और सेंड करता है। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो सेटअप बनाया जा रहा है उसमें और भी बहुत सारी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिसमें आप लोग सब्सिडी के जो टोकन हैं जितने एक ज़मीन के मुताबिक, एक हिसाब किताब सुनने में आया है कि बहुत बड़े जो किसान हैं वो उनके ज़्यादा टोकन होते थे तो उनको भी अब मेरे ख्याल में कोई पैकेज चेंज किया जा रहा है उनका भी, और छोटे जो किसान थे उनका जिस तरह पहले कुछ मूंग की और थैले लेकर जाना पड़ेगा आपको ज़रूरी जो दफ्तर है, करीबी ज़रिए दफ्तर में जाना पड़ेगा तो वहाँ से आप सब्सिडी ले सकेंगे। मज़ीद ऐसे ही तहकीक हो रही है, वेरिफिकेशन की जा रही है, जिसमें जेली किसान हैं या जो मतलब है इस तरह के ख़रीदो फरोख्त वाले हैं उन पे कड़ी नज़र रखी जाएगी। और उनका आप व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आपके पास व्हाट्सएप किसान भाइयों के पास ग्रुप हैं तो बराह मेहरबानी प्राइवेसी लगाएं या फिर ऐसे बंदों को रिमूव करें जो कारोबार का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ग्रुप में जो ऐसा करेगा मैं नेक्स्ट उसको रिमूव करूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा मौजूद है, मेरी 4-5 लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग आएँ व्हाट्सएप में, अच्छी अच्छी मालूमात लें किसान भाइयों से और इंशाल्लाह मालूमात मिलती रहेंगी। तो अब तक यही अपडेट थी कि ये जो जेली का कारोबार हो रहा था, ये किसान जेली किसान बन के खरीदो फरोख कर रहे थे, उनका क्रैकडाउन शुरू है और देखते हैं क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, नई वीडियो जब भी आएगी जो भी अपडेट होगी किसान भाइयों के वो मिलेगी तो वो मैं दूंगा। और बाकी ये बात बता दूं कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इंटरव्यू भी करवाऊंगा ज़राती, जो जो इलाके में अच्छी चीज़ें उगाई जा रही हैं उनके बारे में, फसलों के बारे में, मक्की के बारे में, सैलेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब तक इतना ही, चलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक दीजिए आज हमारे को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।